नमस्कार दोस्तों, रजा फाउंडेशन की ओर से आज शाम कविता भारती की इस तीसरी किस्त में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हिंदी के अलावा गुजराती, पंजाबी, तमिल और बंगला के कवियों को भी सुना है। हमारी कोशिश इस समय भारतीय भाषाओं में जो सक्रिय कवि हैं उनको बारी बारी से आपको सुनवाने की है, दिखाने की भी है। ये आयोजन हम इंडिया हैबिटेट सेंटर के सहयोग से करते हैं। हर बार चार कवि देते हैं, दो हिंदी के होते हैं और दो दूसरी भारतीय भाषाओं के। इस बार उर्दू और अंग्रेजी के दो कवि हैं और हिंदी के दो कवि। कवियों को अपनी कविता सुनाते हुए सुनना और देखना अपने आप में एक दिलचस्प अनुभव होता है। पढ़ी जाकर कविता में जो अर्थ खुलते हैं उसमें सुनी जाकर कविता में कुछ अलग अर्थ भी खुलते हैं। कवि की आवाज कविता को एक मानवीय नाटकीयता भी दे देती है और उससे भी कुछ अर्थ छवियां उभरती हैं। बहरहाल आज जो चार कवि हैं उनमें दो संयोग से इस वर्ष साहित्य अकादमी प्राप्त पुरस्कार प्राप्त हैं। अरुंधति सुब्रमण्यम अंग्रेजी की और अनामिका हिंदी की। और यों तो राजेश कोशी भी अकादमी पुरस्कार प्राप्त हैं, गौहर रजा उनमें से हैं जिनको कभी मिलेगा नहीं क्योंकि उनकी आवाज विरोध की आवाज है। बहरहाल गौहर रजा साहब वैसे तो पेशे से वैज्ञानिक रहे, OCSIR में प्रमुख वैज्ञानिक के पद पर रहे हैं और उनके दो कविता संग्रह प्रकाशित हैं, जज्बों की लौ तेज करो और खामोशी। और उनकी कविताएं अक्सर जो आजकल शक्तियां सत्तारूढ़ हैं उनका कोप भाजन बनती है। अरुंधति सुब्रमण्यम अंग्रेजी में लिखती हैं, उनके 13 पुस्तकें प्रकाशित हैं कविता और गद्य की। अभी हाल में Women Who Wear Only Themselves प्रकाशित हुई है, उन्हें रजा अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, होमी भाभा और चार स्वादिष्ट फेलोशिप भी मिली है। उन्होंने भक्ति कविता का एक बहुत अद्भुत संचयन संपादित किया है, ईटिंग गॉड। अनामिका जी वैसे अंग्रेजी की अध्यापिका है लेकिन उनके 8 कविता संग्रह, 5 उपन्यास और आलोचना की 8 पुस्तकें प्रकाशित हैं। उनको भी रजा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हाल ही में टोकरी में दिगंत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और उनका एक नया उपन्यास अमीर खुसरो पर आधारित है, आईना साज। राजेश जोशी हाल में 75 के हुए हैं और उनके 7 कविता संग्रह, 2 कहानी संग्रह, नाटक, नुक्कड़ नाटक, आलोचना, अनुवाद इत्यादि प्रकाशित हैं। उन्होंने मुक्तिबोध, नागार्जुन आदि के संचयन संपादित किए हैं। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार,
पहल पुरस्कार, शमशेर सम्मान, नागार्जुन सम्मान, कैफी आजमी अवार्ड आदि भी मिले। हमारे पास एक घंटे या उससे थोड़ा अधिक का समय है और हर कवि से ये अपेक्षा होगी कि वो 14-15 मिनट में अपनी कविताएं पढ़ते हैं, उसमें अगर बीच में कुछ बोलना भी चाहे तो भी उसका भी अवकाश होगा। हम शुरू करते हैं अरुंधति सुब्रमण्यम से। तो अरुंधति दे यू आर, वो है, यू आर परहैप्स द यंगेस्ट ऑन द ऑफ द लॉट एनीवे, सो लेट अस स्टार्ट विद द यंग एंड देन वी गो टू द धवल केशी। थैंक यू Ashok, and it's lovely to be here. Very glad to be here with fellow poets and friends. And so it feels right to start with a poem to friends, irrespective of age. It's a tribute to friends, though it may not sound like it. It's intended to be an affectionate poem to friends. And I'm fully prepared to have friends write similar poems back to me. My friends, this problem, the lot of them, leafy with more than a whiff of damage, mottled with history, dark with grime. God knows I've wanted them different, less preoccupied, more jaunty, less handled with care, more airbrushed, less prone to impossible dreams, less perishable, a little more willing to soak in the sun. They don't measure up. They're unpunctual. They turn suddenly tuberous, but they matter for their crooked smiles, their endless distractions, their sudden pauses. Such that they know how green stems twist and thicken as they vanish into the dark, making their way through their own sticky vernacular tissues of mud, improvising, blundering, improvising. And with that, I'd actually like to move on, you know, particularly since we're in the middle of a pandemic and confronted with relative incarceration, it feels good to read poems of travel. So I thought I'd read the title poem of my previous book, When God is a Traveler. I happen to be thinking about my own name, Subramanya, and that brought to mind the warrior deity of so beloved of South India. And I started thinking about his journey. His journey, we are told he took off on a peacock and went off on a journey around the world. And it seems like it was necessary, like so many questers before him, it seems like it was necessary for him to make that journey, to return and find that the answers would be found squarely within him. When God is a traveler, wondering about Kartikeya, Muruga, Subramanya, my namesake. Just the God back from his travels, his voice whole grain and chamomile, his wisdom moon, his peacock sweaty plumes drowsing in the shadows. Just him who sits wordless on park benches, listening to the cries of children fading into the dusk, his gaze emptied of vagrancy, his heart of ownership. Just him who has seen enough, revolutions, promises, the desperate light of shopping malls, hospital rooms, manifestos, theologies, the iron taste of blood, the great craters in the middle of love. Trust him who no longer begrudges his brother, his prize, his parents, their partisanship. Trust him whose race is run, whose journey remains, who stands good stemmed, knowing he is the tree that bears fruit, festive with sun. Trust him who recognizes you, abundant, auspicious, battle-scarred, alive.
and knows from where you come. Trust the God, ready to circle the world all over again, this time for no reason at all, other than to see it through your eyes. And since Ashok mentioned the book of Bhakti poetry that I edited some years ago, I'm inclined to actually read a couple of poems that have actually been provoked in some way by the tradition of Bhakti literature, which, as we so often forget, was intended to be a highly irreverent tradition. And I was asked just some days ago by someone why I wasn't speaking to a spiritual leader that we both, a spiritual figure that was important to both of us. I was asked why I wasn't speaking with the requisite deference. And I couldn't help pointing out that the whole tradition that to which we are heir is really one that encourages us time and again not to confuse bhakti with deference, with subordination, with servility. There is nothing uncritical about bhakti. And so a couple of irreverent bhakti poems. Bhakti, with some adulteration. If you were coffee, I won't live my life in a coffee shop, getting my fix on your beans. Public lust isn't my thing. Allow me some deluxe delusions. Allow me to uncork you in the middle of days that rattle like Coke cans, blow through alleys like old Sunday tabloids, so I can steal a whiff, no more, of your crazy liquor. Decant into my hip flask. Settle down in my pocket. Stay illicit. And one more in the traditional Bhakti poetry from my more recent book, Love Without a Story. This is a poem called Ninda Stuti, which has an epigraph by the Persian poet Hafiz, translated by Daniel Ladinsky, in which he says, complaint is only possible when living in the suburbs of God. And Ninda Stuti, of course, being this part of another tradition of quarreling with one's God and complaining to one's God while loving him or her at the same time. It's a tradition that I feel deeply grateful for. And since my own relationship with the sacred is very resolutely a suburban one, it felt like it was appropriate to begin with the Hafiz quote, Ninda Stuti. We are not impressed by your platoons of admirers, your raging eyes, your guest lists, your visiting cards, your seven horse chariots, your LED screens. We aren't minor either. If it's about choosing between big and small, form and vacancy, we choose neither. If you're playing the game, we are too. We come from a tribe that knows that a versified tantrum is a kind of prayer. We turn invective into love, salty, sometimes sulfuric, and love into obscenity. Our longing reaches for the stars. Domesticated by our fury, even the skies turn terrestrial. And the rest of the time, the earth, this lunatic suburb, is plenty. And with that, perhaps it's time for I was trying to read one more in the Bhakti tradition, but I think I'm going to change tracks and read a poem that I discovered today that I haven't read in a very long time, a love poem called The Dark Night of Kitchen Sinks. I'd forgotten about it and was kind of happy to be reminded. The Dark Night of Kitchen Sinks. I know you, of course. Your familiar swamp of grease and indignity, knives and spoons scattered like mutilated limbs across a battlefield
of gravy streaked plates and wounded china. After the civility of supper, I've heard the puns of cutlery. Who hasn't? Unleashing their true selves, jostle, rave, ravish, slump. And I recognize you, just another kitchen sink, dreaming of foam and equanimity. Another lifetime, and we'll get there, I promise. Creamy, lavender scented, pH balanced. For now, your dreams smell of detergent, and mine of love. It could be enough. And like we read perhaps just two more poems. I thought I'd read a poem called Mitti from my most recent book. It was a poem where the title was actually suggested by a reader. I think it was the DNA, the newspaper, that invited some of us to write poems using a word in any language other than English. And the word that I was assigned was Mitti. I was apprehensive about it, not sure whether I was being expected to write a chest-pumping patriotic poem into inverted commas, but I'm glad I stayed with the word. It led me to a deeper reflection on language and on poetry. Mitti. As a child, I ate mud. It tasted of grit and peat and wild churning, and something else that I could never quite find a name for. Later, I became a moon gazer, always squinting through windows, believing that freedom was aerial, until I figured that the moon was a likely mud gazer, longing for the thick sludge of gravity, the promiscuous thrill of touch, the license to make, to break, to remake. And so I uncovered the old language of poets to be messengers between moon and mud. And I began to uncover the many languages of earth that have nothing to do with nations or atlases, and everything to do with the ways of earwigs, the pilgrim trail of roots, the longing of life to hold and to be held, and the irrepressible human love of naming. Ooze, mire, manure, humus, dirt, silt, mold, loam, soil, slush, clay, shit, manne, matope, baro, tinen, knee, luto, fango, all have their place, I found, in the democracy of tongues. None superior, none untranslatable, all reminders of the anthem of muck of which we are made. Except when June clouds capsize over the open sea, and a sleeping city awakens to an ache so singular that for just a moment it could have no name. Other than that, where soil meets sense and a slop of matter meets a slick lunatic wetness, Mitti. Just that. Nothing else will do. And I think it's right that I pause here and move on so that we can move on to the next poem. Thank you, Arundhati. We move on from Mitti to something more leveling or more uplifting. So, Gaur Raza Sahab, aap aaye aur law ko behad shukriya.
और ये बड़ी इज्जत की बात है कि रजा फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में अशोक जी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपनी नज़में कुछ सुनाऊं। अशोक जी ने ये कहा कि और पुरस्कार मिलेगा भी नहीं, मेरा ख्याल ये है मुझे एक बड़ा पुरस्कार जी टेलीविजन ने दिया था जो 1,00,000 रुपए जुर्माना और 2 माफियों पर आधारित था। बहरहाल नज़्म अशोक जी का हुक्म है। किसान, तुम किसानों को सड़कों पर ले आए हो, अब ये सैलाब है। तुम किसानों को सड़कों पर ले आए हो, अब ये सैलाब हैं और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। ये जो सड़कों पे हैं, खुदकशी का चलन छोड़ कर आए हैं, बेड़ियां पांव की तोड़ कर आए हैं, सौंधी खुशबू की सबने कसम खाई है और खेतों से वादा किया है कि अब जीत होगी तभी लौट कर आएंगे। अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, अब जो आ ही गए हैं तो ये भी सुनो, झूठे वादों से ये टलने वाले नहीं। तुमसे पहले भी जाबिर कई आए थे, तुमसे पहले भी शातिर कई आए थे, तुमसे पहले भी ताजिर कई आए थे, तुमसे पहले भी रहजन कई आए थे, जिनकी कोशिश रही सारे खेतों का कुंदन बिना दाम के, अपने आकाओं के नाम गिरवी रखें, उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी, उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी, और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है। तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुमने सोचा कि तुम आज भगवान हो, तुमको किसने दिया था यह हक खून से, तुमको कितने दिया था यह हक खून से, सबकी किस्मत लिखो और लिखते रहो। गर जमी पर खुदा है कहीं भी कोई, गर जमी पर खुदा है कहीं भी कोई, तो वो दहकान है वही देवता, वही भगवान है, और वही देवता अपने खेतों के मंदिर की दहलीज को छोड़कर आज सड़कों पे है, और वही देवता अपने खेतों के मंदिर की दहलीज को छोड़कर आज सड़कों पे है, सर्वकफ अपने हाथों में परचम लिए, सारी तहजीबें इंसान का वारिस है जो आज सड़कों पे है। हाकिमों जान लो, आज मेरे ख्याल में हाकिमों बदल के कातिलों भी कहा जा सकता है, कातिलों जान लो, तानाशाहों सुनो, अपनी किस्मत लिखेगा वो सड़कों पे अब, काले कानून का जो कफन लाए हो, धज्जियां उसकी बिखरी है चारों तरफ, इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग, इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में, आने वाले जमाने का इतिहास भी शाहराहों पे ही अब लिखा जाएगा। तुम किसानों को सड़कों पे ले आए हो, अब ये सैलाब है और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं, और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं। दूसरी नज्म है, बहुत दिन से ये बात कही जा रही थी और खाली मैं नहीं और लोग भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिशें की, ऐसे में फैज को याद आना जरूरी था। फैज साहब की नज्म से, मशहूर नज्म इंतसाब से चुराई हुई 2 लाइनें, ये नज्म जर पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। जब पढ़े थे ये मिसरे, जब पढ़े थे ये मिसरे तो क्यों था गुमा, जर्द पत्तों का बन फैज का देश है, दर्द की अंजुमन फैज का देश है। बस वही देश है जो कि तारीख है, बस उसी देश तक है खिजा की डगर, बस उसी देश तक है खिजा की डगर, बस वही देश है जर्द पत्तों का बन, बस वही देश है दर्द की अंजुमन। मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश में, मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश में जर्द पत्तों के गिरने का मौसम नहीं, मुझको क्यों था यकीन कि मेरे देश तक पतझड़ों की कोई रह गुजर ही नहीं, इसके दामन पे जितने भी धब्बे लगे अगली बरसात आने पे धुर जाएंगे, अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, अब जो आया है पतझड़ मेरे देश में, धड़कने जिंदगी की है रुक सी गई, खंजरों की जबां रक्स करने लगी, फूल खिलने पे पाबंदियां लग गई,
फूल खिलने पे पाबंदियां लग गई, कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, और इंसाफ सूली चढ़ाया और इंसाफ सूली चढ़ाया गया, खून की प्यास इतनी बढ़ी आखिरश, जामो मीना लहू से छलकने लगे, नाम किसके करूं, नाम किसके करूं इन खिजाओं को मैं, किससे पूछूं बहारें कहां खो गईं, किससे जाकर कहूं जर्द पत्तों का बन अब मेरा देश है, दर्द की अंजुमन अब मेरा देश है, किससे जाकर कहूं जर्द पत्तों का दमन अब मेरा देश है, दर्द की अंजुमन अब मेरा देश है, ए मेरे हम नशीं, जर्द पत्तों का बन दर्द की अंजुमन, आने वाले सफीरों की किस्मत नहीं, जर्द पत्तों का बन दर्द की अंजुमन, आने वाले सफीरों की किस्मत नहीं, ये भी सच है कि फैज के देश में चांद जुल्मत के घेरे में कितना भी हो, नूर उसका बिखरता है हर शब वहां, बाबजोला सही फिर भी सच है यही, जिंदगी अब भी रक्सा है उस देश में, कत्लगाहें सजाई गई जा बजा, गाजियों की भी कोई कमी तो नहीं, और मेरे देश में रात लंबी सही, चांद मध्यम सही, मुझको है ये यकीन, खल्क उठेगी हाथों में परचम लिए, सुबह पैदे पहने हुए आएगी, मुझको है ये यकीन, खल्क उठेगी हाथों में परचम लिए, सुबह पाजे पहने हुए आएगी, रन पड़ेगा बहारों खिजाओं का जब रंग बिखरेंगे और रात ढल जाएगी, जर्द पत्तों का बन भी सिमट जाएगा, दर्द की अंजुमन भी सिमट जाएगी। तीसरी नज्म का उन्वान है माय लॉर्ड। आज भी माय लॉर्ड खबरों में है, बहरहाल ये नज्म। हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन, हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन, मैंने इस दौरे जबाबंदी में लब कुशाई की जो जुर्रत की है, जुर्म है, जुर्म की जो चाहे सजा दें मुझको, आप हैं जिल्ले इलाही माय लॉर्ड, आपका काम था इंसाफ तो इंसाफ करें, आप आजाद हैं इंसाफ को जो चाहे शक्ल दें मंजूर, आप आजाद हैं इंसाफ को बदला कर दें, आप आजाद हैं इंसाफ को जो चाहे शक्ल दें मंजूर, आप आजाद हैं इंसाफ को बदला कर दें, आप आजाद हैं इंसाफ को लब सीने का औजार बना दें माय लॉर्ड, आप इंसाफ के खंजर से हर एक उंगली को काट कर फेंक दें और काटें तो कुछ ऐसे काटें कोई उंगली किसी हाकिम पे कभी उठ ना सके, आप आजाद हैं इंसाफ को एक बेत मिठा लें जिससे सर उठाए कोई गर आप आजाद हैं इंसाफ को एक बेत में ढालें जिससे सर उठाए कोई गर उसको सजा दें जैसे कोई स्कूल के बच्चों को सजा देता है, हाँ मेरा जुर्म है संगीन बहुत ही संगीन, आप जो चाहे सजा दे मुझको, अगर इजाजत हो तो कुछ और भी मैं अर्ज करूं, हमको इतिहास बताता है कि हर दौरे खिजा में यूं ही फूल खिलते हैं तो खिलते ही चले जाते हैं, एक बादल किसी कोने से उभरता है कहीं और सहरा पे बरस जाता है, नंगे पेड़ों के किसी शाख पे बैठी कोयल गाने लगती है तो गाती ही चली जाती है, यूं ही हर सिम से आती है सदा वादियां गूंजने लगती हैं उसी नगमे से, और कोई कितना भी चाहे कि उसे कैद करे नगमा हर कैद से आजाद बिखर जाता है, नगमा हर कैद से आजाद बिखर जाता है। बहुत शुक्रिया। एक और सुनाइए कम से कम एक और।
एक और सुना देता हूँ, पुरानी नज्म है। इस नज्म का इंट्रोडक्शन इस नज्म का हिस्सा है। बड़ा मुशायरा था बेंगलोर में, मैं सबसे जूनियर शायरों में से एक था। ख़त्म हुआ 4:30 बजे, तो बाकी सारे जो शुअरा हजरात थे उनके फैन उनके चारों तरफ इकट्ठा थे। मैं बैक स्टेज में अंधेरे में खड़ा हुआ था, एक तरफ इंतज़ार कर रहा था कि अब खाना होगा और फिर हम जाएंगे। तो एक बच्चा आया, यंग बच्चा, और उसने मुझसे कहा कि आपकी नज़मों में बड़ा खून खराबा होता है, तो आप साइंटिस्ट हैं, कुछ अच्छी शायरी नहीं कर सकते? कुछ फूलों के खिलने की, कुछ आंखों के बारे में, कुछ ढलती हुई शाम पर। तो ये नज्म उस बच्चे के नाम है। मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखूं। मैं चाहता हूं कि पर्वत पे एक नज्म लिखूं, एक ऐसी नज्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूं कि झरनों का बांध बन लिखूं। ये चाहता हूं कि कागज पे काले लफ्जों से करूं मैं सख्त किसी शाम से, धनक के रंग से खेलूं लिखूं के कुदरत, धनक के रंग से खेलूं लिखूं के कुदरत ने मेरे कलम के लिए ही रचे हैं राज ये सब। मैं चाहता हूं किसी शाम बैठू फुर्सत से, मैं चाहता हूं किसी शाम बैठू फुर्सत से, वो शाम ऐसी हो जिस पर गुमा हो सुबह का। मैं तेरी आंखों की, जुल्फों की, तेरे होठों की, तेरे बदन की, तेरे पैरहन की बात करूं। कोई ख्याल ना, कोई ख्याल ना हो, बस ख्याल हो तेरा, तेरे ख्याल में भीगी हुई हो सारी फजा। मैं चाहता हूं कि सर्दी की एक सुबह मेरी बयाज मेरे पास हो, वो लौह कलम। मैं चाहता हूं कि सर्दी की एक सुबह हो, मेरी बयाज मेरे पास हो, वो लौह कलम। मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे जमाना पहले ये सरगोशियों में कहता था, बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन, बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन, वो सारी राज की बातें मैं हू बहू लिख दू। मैं चाहता हूं कि कोहरे की एक चादर हो, मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहां जाऊं जहां पे छोड़ के आया था अपने बचपन को। कलम की नोक से फिर उन्हें तलाश करूं जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटे। मैं कड़वे नीम के नीचे बनाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बाहर आए तो सब बांट दूं जमाने में। मैं कड़वे नीम के नीचे लगाऊं एक क्यारी, मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बाहर आए तो सब बांट दूं जमाने में। मगर फुर्सते सुखन तो मिले, ये तीरा शाम गम तो ढले, ये आग खून की बारिश, ये आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे ये नफरत का सरबलंद जुनू, कदम कदम पे ये नफरत का सरबलंद जुनू, हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज की मोहलत दे दो मुझे हम, हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज की मोहलत तो दे मुझे हमदम। कहीं तो शम्मा जले, कहीं तो शम्मा जले और कहे कि फुर्सत है, लिखो वो नज्म जो पहले कभी लिखी न गई, लिखो वो नज्म जो पहले कभी लिखी न गई। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब। अब अनामिका जी, जी हटा लेता हूँ अनामिका। पहली कविता प्रेम है। कुछ तो हो, कोई पत्ता तो कहीं डोले, कोई तो बात होनी चाहिए जिंदगी में अब, बोलने में समझने जैसी कोई बात, चलने में पहुंचने जैसी, करने में कुछ हो जाने जैसी तरंग। सुनती हूं
यह प्रेम में ही संभव है। प्रेम में ही संभव है करना हर सरहद पार। प्रेम से बड़ी है प्रेम की कहानियां। प्रेम के या खुदा के बारे में सबसे खूबसूरत बात यही है, आदमी ने गढ़ा उनको या उन्होंने आदमी को, ताल ठोक कर आप कह ही नहीं सकते। जिसने भी जिसको गढ़ा हो, इससे क्या कल्पना ही यह सुंदर है कि कुछ तो गढ़ा जाए, कुछ तो हो। कोई पत्ता तो कहीं डोले, कोई तो बात होनी चाहिए जिंदगी में। अब बोलने में समझने जैसी कोई बात, चलने में पहुंचने जैसी, करने में कुछ हो जाने जैसी तरंग। सुनती हूँ यह प्रेम में ही संभव है। जो दूसरी कविता है वो आपको 9वीं या 10वीं शताब्दी की के मिथिलांचल में ले जाएगी। वहाँ एक टीकाकार हुए हैं वेदांत के, वृद्ध वाचस्पति। वहाँ एक कथा चलती है, किंवदंती है या सचमुच भी हो पता नहीं, क्यों वो एक छोटी सी लड़की से उनका ब्याह हुआ। फिर वो अपना ग्रंथ रचने में ऐसे मशगूल हुए कि उसकी उपस्थिति बिसर गई उनको। बाद में अचानक एक आंधी के दौरान दिया जलाती हुई वो दिखी, तो ऐसा अपराध बोध हुआ कि पूरा ग्रंथ उनके नाम से उसने प्रकाशित करा दिया उन्होंने। अब मैंने कल्पना ये की है कि वो छोटी सी बच्ची जो वो बालिका वधु, उसको जिसको पढ़ने का कोई मौका नहीं मिला, उसे कैसा लगा होगा अपने पति प्रेमी जो कहें उसका ये जेस्चर कि उसके नाम से किताब उन्होंने कृपा पूर्वक छपवा दी। ये उसी की तरफ से एक गपशप है। भामती की बेटियां, उस वृद्ध वाचस्पति की बालिका वधु का नाम जो बाद में बड़ी हो गई थी ऑफ कोर्स भामती था। अब ये भामती अपनी बेटियों से कह रही है, आज की बेटियों से, लिखने की चौकी वही है, वही आसन, पांडुलिपि वही, वही बासन, जिसमें मैं रखती थी खील बताशा, दी अब क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ, नामिका जी की आई, बिखरने लगे ग्रंथ के पन्ने। फिर एक शाम उसास भरी धरती ने आंधी सी आई, बिखरने लगे ग्रंथ के पन्ने। टूटी तंद्रा तो मुझे देखा, पन्नों के पीछे यों भागते हुए जैसे हिरनों के। चौंके, हे देवी परिचय तो दें, आप कौन? मुझको हंसी आ गई, लाए थे जब ब्याह कर तो छोटी थी ना, फिर आप लिखने में ऐसे लगे दुनिया की सुध बिसर गई। लगता था लगता है जैसे भूल ही गए वेदांत के भाष्य के ही समानांतर। इस घर में बढ़ी जा रही है पत्ती पत्ती आपकी भार्या भी। तो क्या मैं इतनी बड़ी हो गई कि पहचान में नहीं आती? पानी पानी होकर इस बात पर, पानी में ही बहा आए आप तो
अपनी वह पांडुलिपि, जो मैं नहीं दौड़ती पीछे, पृष्ठ बीच ले आने पानी से, गड़मड़ हो चुकते सब अक्षर, धुल जाता पानी में स्याही, धुल जाती पानी में स्याही, शब्द पर शब्द फिसल जाते, मेहनत से मैंने वे अक्षर भी बीछे, जैसे कि चावल अक्षर पर अक्षर दोबारा उगाए, अपने सिंदूर और काजल से भूर्ज पत्र फिर से सिले, ताक पाट ढोल ना लगा के, अक्षर पर अक्षर, अक्षर पर अक्षर, अक्षर में और आप अक्षर, टप टप अनामिका जी, आप कहाँ गायब हो गए? अक्षर में और आप अक्षर, टप 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 टप, ये लो रोते हैं क्या ज्ञानी ध्यानी भी, क्यों रो रहे हैं जी, चुप चुप, भामती टीका तुम्हारी यह, तुमने ही लिखी यह दोबारा, पहले भी तुमने लिखी थी, हर शाम दिए की लौ से जो लिखा था तुमने अंधियारे की स्लेट पर, मैंने बस भाष्य किया उसका, तो जगत में ग्रंथ भामती टीका के ही नाम से जाना जाएगा, लिखने की चौकी वही है वही आसन, पांडुलिपि वही वही बासन, ग्रंथ लिख रही हैं पर भामती की बेटियां, आपके जाने के बाद मैंने पढ़ाया इन्हें पाठशाला भेजकर, दिए से नहीं नहीं छाया से, इन्होंने अपनी कलम से लिखा है जो आपके समान अंतर, भाष्य उसका करने बैठेंगे जब सारे ये दिग्दिगांतर, मैं जान चैन की सांस लूंगी, कृपा नहीं प्रेम का प्रसाद भी नहीं लेंगी, भामती की बेटियां ग्रंथ अपने स्वयं ही रचेंगी लगातार, इसी तरह हर युग में। एक कविता है, 12वीं शताब्दी में आपको ले चलती हूँ, नवी के बाद, और मैं जब अपना उपन्यास लिख रही थी 10 द्वारे का पिंजरा, वहां एक वृद्धा वेश्या ही मुख्य चरित्र थी, जो स्वाधीनता संग्राम के समय में पंडिता रमाबाई के साथ साथ उसने बहुत कुछ किया था। तो मैं सचमुच ही अपने पुराने शहर के प्राचीनतम मोहल्ले की कुछ वृद्धा वेश्याओं से मिली थी। वे मुलाकातें ऐसी थी, फैज का नाम लिया उन्होंने, तो वो मुलाकातें ऐसी थी कि उम्र भर एक मुलाकात जैसे जाती है, उस वो मुलाकात गई है। इतनी शालीन शिष्ट गुणी वे वृद्धा वेश्याएं मेरी कल्पना का स्थायी नागरिक बन गई, और ये कविता उन्हीं को समर्पित है। वृद्ध लगातार आदिम सुख बजा रहा है चैन की बंसी, और एक आदिम दुख बजा रहा है बादलों में नगाड़ा, कौन गली गए श्याम बता दे कोई, गा रही है एक वृद्धा सुमुखी, लेटी हुई छत निहारती हैं, खुद भी ये देखती हैं एक विरह गीत, 12वीं सदी के रासो काव्य का ऐसा विरह गीत जो कि अधूरा ही छूट गया था पांडुलिपि के हाशिए पर कहीं, युद्ध से घायल हो घर लौटे घोड़ों का दुख जानती हैं ये वे
लगता है कैसा घुड़साल में उनको कहीं बांध कर अनमने कदमों से जब चल देता है कहीं घुड़सवार और कभी वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे भूल जाता है पोर पोर उनका क्या होता है खरहरा। कटे फटे खुर भूल जाते हैं के नाल झपसे गले मिलती है कैसे अपने बिछुड़े खुर से। वैसे तो बारहवीं सदी से भी पीछे चला जाता है उनका इतिहास। ढूंढने चलो तो यह लगता है सभ्यता से भी प्राचीन ये वृद्धावेश्याएं नदियों का तट थी विस्तीर्ण। चोर नपुंसक मूर्ख लंपट सन्यासी सामंत डूबती नौकाओं पर इनके तट आते और ये उन्हें उबार लेती। थोड़ा छोटा सा सोन बिरिच उनके तट बोकर देता उनका हर प्रेमी चल देता उनका हर प्रेमी और कभी पलट कर नहीं देखता। अब दृश्य बदल गया है थोड़ा अब इनकी गलियों तक आते हैं केवल विस्थापित मजदूर। इनसे तो पैसे भी नहीं मांगते बनता है हुजूर। उन्होंने उमक कर कहा और खांसने लगी। पुराने शहर के लालटेन बाजार में लालटेन तो नहीं जलती पर ये जलती हैं लालटेन वाली धुंधली टिमक से। आठों पहर ही इतराई हुई इधर उधर उड़ती फिरती थी जिस दरवाजे की मिट्टी कोई अब वहां नहीं आता। सिर्फ एक वैद्यराज आते हैं और भटकटैया में अश्वगंधा की भावना मिलाकर कुछ रसायन सा पिलाते हैं। गौरैया की नींद सोती है और छपाक जाग जाती हैं रात के तीसरे पहर जब 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 बोलती है विरह दग्ध दूर कहीं कोई कुरुलिया। अकुलाकर छाती पर हाथ धरे सोचती हैं कुछ कुछ छाती पर हाथ धरे क्या सोचती हैं ये। और अब मैं एक अद्यतन कविता आपकी अपना सुनाती हूँ। मैं इस कोरोना काल में मेरे 9 प्रियजन गए बहुत करीब से। मेरी माँ भी बहुत बीमार रही आइसोलेशन वार्ड में पर मैं ये कविता लिखी गई थी और इसका शीर्षक है आइसोलेशन वार्ड में पखेरू। वैसे तो रात में पखेरू अमूमन नहीं उड़ते पर मेरे प्राण के पखेरू झमाझम बरसती हुई रात में ही उड़े। झमाझम बरस रही थी जन्मों की संचित स्मृतियां मौन कसमसाहट में मैंने दैने समेट लिए और वहीं खिड़की पर बैठ गए प्राण पखेरू मेरे। भीतर का एक दृश्य अद्भुत था। एक आदमी जिसको जानती थी मैं कई सदियों से किसी पुरोहित के निर्देशों पर डबल मास्क पहने हुए रंग रहा था मेरे सब नाखून लाल नेल पॉलिश से। मुझको हंसी आ गई थी। अच्छा तो ये होती है व्याप्ति सूली ऊपर सेज पिया की। दूसरा दृश्य जरा मारक था। पीपीटी किट के भीतर ही फफकते हुए दोनों बच्चे देख रहे थे सूनी आंखों से निष्प्राण देह की कलाई उस पर उन बहुत मान से बांधी उनकी ही लाई घड़ी अपनी ही चाल में चली जा रही थी। समय देवता है तो शायद इसी खातिर के उसको कुछ भी नहीं व्यापता वह अपनी रौ में बढ़ा जाता है। इस महाप्राण देश में वैसे
हर महाभाव देवता है, कुचिपुड़ी नृत्य का मुखौटा लगाए पूरे 33 करोड़ महाभावों का क्या होगा जो यह दुनिया ही उजड़ जाए। जहां रौद्र विभत्स और भयानक रस भी रस ही है, त्रिपुर सुंदरी का ही एक पक्ष भैरव काली है और तांडव भी महारास है। बच्चे कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, धीरे धीरे लेकिन सब जान जाएंगे, शहर सिखावे कोतवाली। रहना नहीं देश बिराना है कहते हुए, जो ये मुड़ेंगे कहीं और की खातिर तो यह समझते हुए, उलट बासियों का यह अजब देश, महंगी है सारी दवाएं, महंगे है रामबाण और जान तो सस्ती है, बाय वन गेट वन फ्री। खिड़की पर बैठे हुए प्राण पखेरू मेरे, सोच सोच कर यह विकल है कि इस बार तो खाली हाथ ही चले जाएंगे मेरे बच्चे, लाख चाह कर भी नहीं छान पाऊंगी उनके लिए अब कभी गुजिया खजूर नमक पाड़े शक्कर पाड़े, जो वे ले जाने में कितने नखरे करते थे लेकिन फिर फोन लगाकर कहते थे सब कुछ गजबी बना था माँ, दोस्तों ने मजे से खाया मिलकर, कुछ गुजिए बचा भी लिए, देर रात पढ़ते हुए अगर भूख लगे बहुत काम आते हैं ये। अकुला कर इस बात पर गर्दन घुमाकर बाहर ही देखने लगे प्राण पखेरू मेरे। झिमिर झिमिर बरस रही थी सारी स्मृतियां, कई कई जन्मों से संचित, कयामत के दिन आ गए थे ना, दूर वहां पापा खड़े थे वो ही ओवरकोट पहने हुए, जिसमें छुपाकर मुझे मेरी जिद पर तेज ज्वर में माँ से नजरें बचाकर आंधी दिखाने वे ले आए थे बाहर, पूरा समा याद है अब तक। सब कुछ उड़ा जा रहा था उस प्रचंड आंधी में, सारे संताप भय सारे जो शब्द मैंने उचारे थे भीतर या बाहर भी या भीतर धारे थे, सूखे पत्तों जैसे उड़े जा रहे थे अनंत की तरफ, के अचानक बरस गया पानी हर कर और जहां जो था वह बैठ गया खुद में सिमट कर, जैसे कि बैठे हैं बीच रास्ते प्राण पखेरू मेरे, टुकुर टुकुर देखते हुए नारे सारे तमाशे। निगम बोध घाट पर लिखा है आप यहां तक लेकर आए बहुत शुक्रिया, आगे हम खुद ही चले जाएंगे, मेरे और पर मेरे साथ चिता पर मेरी 7-8 लोग जले, एक पर एक धरे थे अपने शिव शव जैसे, देह नहीं थे हम लकड़ी के कुंदे थे, हम सब की मिलती जुलती थी कहानियां आख्यानों के और गपशप के, इस देश में हम एक धारावाहिक सी कहानी ही थे, जितनी तेजी से लपटे धधक रही थी उतनी ही सुस्ती से धुआं उठ रहा था, बार बार वापस पलटता हुआ उन बांधवों तक जिन्हें जीवन वापस पुकार रहा था और जो श्मशान के बाहर जाने की जल्दी में थे, घर दफ्तर जलसा घर। यह एक खंड प्रलय था शायद हमारे लिए, और अभिधा व्यंजना दोनों में नानी याद आ रही थी, नानी जो कहती थी कि प्रलय के बाद की पहली सुबह जो होती है उसमें धुएं की साड़ी पहने आती है माता धूमावती, और वही चुनती है आंचल में जलने से बची रह गई हड्डियां यानी फूल चिता के। आकाश गंगा में जो बह रहे हैं कुछ तो सितारे हैं, कुछ फॉस्फोरस के वही फूल हैं और थोड़ी सी स्मृतियां हैं, मरघट वैराग्य की घड़ी जो लोगों के चित्त में कुछ देर भभक कर जली।
धन्यवाद अनामिका जी। और अब आज के आखिरी कवि राजेश जोशी। अशोक जी के प्रति और रजा फाउंडेशन के प्रति आभारी हूँ कि ये अवसर दिया गया है और कुछ कविताएं सुनाता हूँ। पहली कविता है गांधी की घड़ी। गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई, गांधी तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें ना स्मृतियां बची हैं ना स्वप्न। हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें ना स्मृतियां बची हैं ना स्वप्न। मुट्ठी भर नमक से समुद्र में उठे ज्वार की लहरें वापस लौट चुकी हैं। रेत पर सिर्फ मरी हुई मछलियां घोंगे और केकड़े पड़े हैं और हवा दुर्गंध से भर गई है। तुम्हारी ऐनक के कांच धुंधले हो गए हैं, उनके आर पार दिखना बंद हो चुका है। लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है, लोकतंत्र एक प्रहसन में बदल रहा है। एक विदूषक किसी तानाशाह की मिमिक्री कर रहा है। हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर तुमने रच दिया था जिसका विलोम। हमारी भाषा के पहले अक्षर को हिंसा के आगे रखकर तुमने रच दिया था जिसका विलोम। प्रायोजित भीड़ ने लतिया कर फेंक दिया है उसे भूरे के ढेर पर। और ये और कविता सुनाता हूँ। बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं। भूख को विटामिन डी बनाकर लौटता हूँ, भूख को विटामिन डी बनाकर लौटता हूँ तो नीम की हरी पत्तियां अपनी कड़वाहट उलीच देने को आतुर है मेरी जबान पर। पानी में फूले रखे हैं, पानी में फूले रखे हैं चिया के बीज। आंगन की तुलसी एक छोटी सी शीशी में रखी है अर्क बनकर। पूर्वज कवि छायावादी कविता में दोह चुके प्रकृति का सारा सौंदर्य। हम क्या करें, क्या करें इस अद्भुत करिश्मों से भरी प्रकृति का जो विटामिन और दवाओं में बदल गई है हमारे लिए। हल्दी का प्यारा पीला रंग एक एंटीसेप्टिक की तरह नजर आता है। सच्चे नारियल पर कान लगाकर सुनना चाहता हूँ समुद्र को, लेकिन सुनाई देती है मेरे डॉक्टर की आवाज, आपके खून में कम हो गया है पोटेशियम। रोज कम से कम एक नारियल पीना है आपको। अलसी, मेथी, जीरा, दालचीनी और भी जाने क्या क्या, सब कुछ तो बदल गया है देह के लिए किसी ना किसी लाभ में। ओ मेरे आदि कवि तुम तो पूरी धरती को हथेली पर रखे आंवले की तरह देख लेते थे। एक मैं हूं 21वीं सदी का मारा कवि, आंवला च्यवनप्राश में बदल गया है मेरे लिए। ओ प्रकृति, तेरे अचंभों से पैदा किए हमने कितने सारे देवता। तेरी आकस्मिकताओं और लुके छुपे रहस्यों से पैदा किए हमने कितने जादू टोने। जहां हाय, लेकिन तेरी इस माया का क्या करें। तेरी आकस्मिकताओं और लुके छुपे रहस्यों से पैदा किए हमने कितने जादू टोने। हाय, लेकिन तेरी इस माया का क्या करें, जहां तू ही महामारी है और तू ही दबा भी। हम अपने डर को लेकर कहां भागें, कहां जाएं। तुमसे बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं। और ये कविता सुनाता हूँ। इसमें मुक्तिबोध की एक बहुत ही प्रिय कहानी है, पक्षी और दीमक, उसका कहीं उसकी स्मृति भी इसमें है। उल्लंघन कभी जानबूझकर किए कभी अनजाने में। बंद दरवाजे बचपन से ही मुझे पसंद नहीं रहे। एक पांव हमेशा घर की दहरी से बाहर ही रहा मेरा। व्याकरण के नियम जानना कभी मैंने जरूरी नहीं समझा। इसी कारण
मुझे कभी दीमक के कीड़ों को खाने की लत नहीं लगी और किसी व्यापारी के हाथ मैंने अपना पंख देकर उन्हें खरीदा नहीं। बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी आजादी, बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी आजादी, और उससे भी ज्यादा मुश्किल था हर पल उसकी हिफाजत करना। कोई ना कोई बाज झपट्टा मारने को आंख गड़ाए बैठा ही रहता था किसी ना किसी जगाल पर। कोई सांप रेंगता हुआ चुपचाप चला आता था घोंसले तक अंडे चुराने। मैंने तो अपनी आंख ही तब खोली जब सविनय अवज्ञा के आवाहन पर सड़कों पर निकल आया देश। उसके नारे ही मेरे कानों में बोले गए पहले शब्द थे। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी चीजों को उलांग गया, उलांग ही गई चीजों की बाढ़ रुक जाती है ऐसा कहा जाता था। कई बार लगता है कि उल्लंघन की प्रक्रिया उलटबांसी बनकर रह गई है हमारे मुल्क में। हमने सोचा था कि लांग आए हैं हम बहुत सारी मूर्खताओं को, अब वो कभी सिर नहीं उठाएंगे। लेकिन एक दिन वो पहाड़ सी खड़ी नजर आई और हम उनकी तलहटी में खड़े बोने थे। लेकिन ये ना समझना कि मैं हताश होकर बैठ जाऊंगा। उल्लंघन की आदत तो मेरी रग रग में मौजूद है। बंदर से आदमी बनने की प्रक्रिया के बीच इसे अपने पूर्वजों से पाया। मैं एक कवि हूं और कविता तो हमेशा से ही एक उदूली है, हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती। कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है। व्याकरण के तमाम नियमों और भाषा की तमाम सीमाओं का उल्लंघन करती वे अपने आप ही पहुंच जाती है वहां जहां पहुंचने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। एक कवि ने कहा था कभी कि स्वाधीनता घटना नहीं प्रक्रिया है, उसे पाना होता है बार बार लगातार, तभी से जाने कितने नियमों की अभिनय सविनय अवज्ञा करता पहुंचा मैं यहां। और दो एक कविताएं और पढ़ी जा सकते हैं मेरे ख्याल से। ये कविता है, पुरानी कविता है इत्यादि। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि की तादाद में हमेशा ही ज्यादा होते थे। इत्यादि भावताओं करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वो ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमें बताए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में इत्यादि ही रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते। इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे जिनसे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो इस सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिर्फ फिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते। और
अंत में एक कविता और सुनाता हूँ छोटी सी। बहुत छोटी सी कविता है। यह समय, जिस समय में हम इस समय को भुगत भी रहे हैं और देख रहे हैं, यह समय, यह प्रतिमाओं को सिराए जाने का समय है। यह प्रतिमाओं को सिराए जाने का समय है। प्रतिमाएं सिराई जा रही हैं, भीतर बाहर सिर्फ सन्नाटा है। काले जल में बस प्रतिमा का मुकुट धीरे धीरे टूटा। मित्रों, आज शाम का कविता पाठ इसी से संपन्न होता है। मैं अरुंधति सुब्रमण्यम, अनामिका, गौर रजा और राजेश जोशी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आज शाम हमें इस समय कविता का जो वितान है उससे कुछ उसका कुछ एक बहुत ही मुद्रिक अनुभव कराया। अलग अलग मुहावरे हैं, अलग अलग ढंग से लोग सोच रहे हैं और ये कविता की विपुलता का अद्भुत साक्ष्य है। तो बहुत आभार, और उन श्रोताओं या दर्शकों का भी जिन्होंने इस आयोजन को देखा या सुना हो। कविता भारती की अगली किस्त अगले महीने फिर होगी, उसमें फिर हम आपका साक्षात सुनाएंगे कुछ और भारतीय भाषाओं के कवियों से। नमस्कार।